जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। आप मैं सभी का स्वागत करता हूँ। फरवरी का महीना शुरू होने वाला है। फरवरी का महीने में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। 30 जनवरी को रात को 9 बजे करीब शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। अब शनि महाराज जब अस्त होते हैं तो उनसे संबंधित जो जो चीज़ें हैं उनमें क्या क्या बदलाव आता है, आज बात करता हूँ मकर राशि की, कि मकर राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना कितना लाभप्रद है और कितना नुकसानदायक है। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि से शनि द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और मकर राशि के भी स्वामी बनते हैं और मकर राशि से द्वितीय भाव में बैठे हैं। अभी प्लेसमेंट उनका चेंज हुआ है, आपने देखा हुआ, 17 जनवरी को शनि देव स्वयं कुंभ राशि में जाकर के बैठे हैं। साथ में शुक्र देवता बैठे हैं जो एक राजयोग बना रहे हैं उनके साथ बैठे। पहली बात, शुक्र स्वयं धन का कारक है, धन भाव में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, शनि वहां धन के मालिक बनते हैं, तो योग बहुत अच्छा था। ये